माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा, तुमने अपना खाना लिया कि नहीं? हाँ माँ। आज हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सीखेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि खाना कहाँ जाता है और उसका क्या होता है? अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे। कार में पेट्रोल या डीजल डालने से उसे चला सकते हैं। वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए शक्ति चाहिए। कार चलाने की शक्ति पेट्रोल से आती है। शरीर को यह शक्ति कहाँ से आती है? खाना और ऑक्सीजन द्वारा हमें यह शक्ति मिलती है। खाने से हमें बढ़ने का और काम करने के लिए शक्ति मिलती है। क्या खाने से हमें यह शक्ति सीधी मिलेगी या उसके पाचन के बाद उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे, या अनेक प्रक्रियाओं द्वारा बदलने के बाद मिलेगी? हमारा आहार अनेक तत्वों का मिश्रण है। शरीर इसका इस्तेमाल कर सके उसके लिए इस खाने को छोटे छोटे पदार्थों में बदलना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आहार में से पोषक पदार्थ निकालता है ताकि उसे शरीर के अंग उपयोग कर सके। शरीर में बने व्यर्थ पदार्थ को बाहर भेजना भी इसकी जिम्मेदारी है। कार में पेट्रोल के द्वारा ऊर्जा कैसे मिलती है देखेंगे। पेट्रोल पंप में से पाइप द्वारा पेट्रोल कार की टंकी तक पहुंचता है। कार की टंकी एक स्टमक जैसा होता है जिसमें पेट्रोल जमा होती है। कार चलाते समय यह पेट्रोल एक ट्यूब द्वारा इंजन तक पहुंचने के बाद ऊर्जा में बदलती है। अंत में पेट्रोल से ऊर्जा बनाने की यह प्रक्रिया में जो रद्दी निकलता है वे कार के पीछे निकास पाइप द्वारा बाहर आता है। कितना बदबूदार है! इसी तरह हमारे शरीर में भी खाना मुंह में से ईसोफेगस या फूड पाइप द्वारा पेट तक पहुंचता है। यह स्टमक बाहर दिखने वाला स्टमक नहीं है। वहां से एक लंबा पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन और वहां से एक छोटा पाइप लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अंत में रद्दी मल के रूप में बाहर निकलता है। क्या आपने कभी अपने पेट से आवाज सुनी है? कभी हम चुपचाप एक कमरे में बैठे हों और किसी की पेट की आवाज या शायद अपने पेट की ही आवाज हो सुनाई पड़ती है। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है? तो क्यों पेट में से ये आवाज निकलती है? पेट में से ऐसी आवाज आने का मतलब हम खाना खाके बहुत देर हुई या हम भूखे हैं। अरे यह क्या है? यम्मी हैदराबादी बिरयानी! आपको ताज्जुब होगा कि खाने के बाद यह बिरयानी कहाँ जाएगी? इसे खाने से हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी? अब आपको डाइजेशन के बारे में पता है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आहार का बड़े तत्वों को छोटे छोटे शरीर में इस्तेमाल होने लायक बनाते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना हमें पता है। जो बिरयानी या खाना हम खाते हैं वह शरीर के अनेक अंगों में से जाता है। जाते वक्त खाने का पोषक तत्व सब अंगों द्वारा निकाल कर बाकी रद्दी को अंत में बाहर धकेलता है। अब हम शरीर में बिरयानी की यात्रा कैसे होगी देखेंगे। शरीर में बिरयानी की यात्रा आसानी से नहीं होती, बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसे बहुत दूर तक जाना पड़ता है और इसमें बहुत समय भी लगता है। यह रास्ता कभी नहीं बदलता। यह हम जो खाते हैं उसे शरीर में इस्तेमाल होने लायक बनाने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी है। फिर यह यात्रा कहाँ से शुरू करनी है? यह बिरयानी मुंह में रखने से ही शुरू होती है। आहा, कितनी स्वादिष्ट है! टीथ कहते हैं, स्वागत मिस्टर खाना, सुस्वागत, मेरी गुफा में स्वागत है। रुको मिस्टर खाना, आप बहुत बड़े दिखते हैं, मुझे आपको पीस कर छोटा बनाना है। बताओ मिस्टर खाना, थूक को आप क्या समझते हो? वास्तव में थूक लार नामक रसायन है।
लार आपको नमी और नरम बनाता है ताकि आप नीचे तक आसानी से और जल्दी जा सकें। अरे देखो, अब आप एक गीली गेंद की तरह हो गए। अब आपको नीचे जाने का चिकनी स्लाइड पर मजा आएगा। फूड पाइप कहता है, तो आप सवारी के लिए तैयार हैं मिस्टर खाना? डरो मत, बस अपनी आंखें बंद करके सवारी का आनंद लो। खाना छोटे छोटे हिस्सों में स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक भरने तक ये गिरता रहता है। स्टमक कहता है, हाँ अब मैं ज्यादा बेहतर लग रहा हूँ, अब काम करने का मौका मिला। मिस्टर खाना, पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जूसेस से मिलाता हूँ, फिर एसिड मिलाकर कीटाणुओं को मारता हूँ। इसके लिए मुझे अपनी मिक्सिंग या चर्निंग मशीन शुरू करनी है। स्टमक खाने को छोटे छोटे तत्व बनाने में व्यस्त है। धीरे धीरे पहुंचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है, मुझे पचे हुए खाने में से पोषक पदार्थ चूस लेना है ताकि उसे शरीर के सब अंगों तक ले जाया जा सके। लेकिन रुकिए, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। बाकी न पचा हुआ खाना की यात्रा अब भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है, रद्दी का मैं क्या करूं, इसे नीचे भेजता हूं। रद्दी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यह रद्दी में बहुत पानी है, पानी अमूल्य है, इसे सुरक्षित करके बाकी रद्दी नीचे चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कहता है, अब मैं कस कर भर गया हूं, मैं अब इसे उठा नहीं सकता, समय आ गया है। बच्चों, क्या समय है, समझ गए हो? शौचालय जाने का समय, यानी यात्रा का अंत। रद्दी शरीर से बाहर निकलकर धकेल दिया जाता है। फ्लश करने की ध्वनि सुनी, बिरयानी की यात्रा समाप्त हुई, अब पेट हल्का हुआ। ये बहुत अच्छी यात्रा है, लेकिन छी बदबू। तो बच्चों, मुंह से शुरू होकर फूड पाइप द्वारा स्टमक तक, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन और वहां से लार्ज इंटेस्टाइन, अंत में शरीर से बाहर तक, बिरयानी का यह सफर बहुत लंबा है। अब किन किन अंगों ने डाइजेशन में पात्र लिया? इसमें कई अंग शामिल हुए, लेकिन मुंह, ईसोफेगस स्टमक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन आदि मुख्य हैं। रद्दी अंत भाग में एनस से बाहर आता है। संक्षिप्त में, आहार शरीर को देना, उसे पचाने के द्वारा पोषक तत्व अलग करके बाकी रद्दी को मल रूप में बाहर निकाल देना, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है।